हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत ढलोट के 3 गांवों को जाने वाले रास्ते को रोके जाने पर ग्रामीणों ने उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा और उसको जल्द खुलवाने की मांग की है। पंचायत के 3 गांववासियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त हमीरपुर से मिलने पहुंचा और उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके रास्ता जो कि खसरा नंबर 168 में आता है, उक्त जगह पर टैंक का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पंचायत को की, जिसके बाद उसका काम रोक दिया गया। मगर जब ग्रामीण रास्ता खुलवाने गए तो उनसे नहीं खोलने दिया गया। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर से उनका रास्ता रुका हुआ है, जिससे जनता को परेशानी हो रही है। लोगों ने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि वहां पर किसी को मौका देखने भेजा जाए और रास्ता खुलवाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता रुक जाने के कारण उन्हें आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं रोजमर्रा का काम निपटाने में भी लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खुलवाया जाए। मैं ढलोट पंचायत से हूँ। ये रास्ता जो है वो 3 गांवों के जाता है, ये साई ब्राह्मणा, देवसाई और बसंदेड़ा लाड, इनके लिए जाता है। वहाँ पे रास्ता बंद कर दिए गए हुआ है। ये रास्ता एक्चुअली में सरकारी कागज खसरा नंबर 168 में है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये रास्ता जो है गवर्नमेंट में नहीं है, रोड है, ये सरकारी रास्ता लगा हुआ है। सड़क लगो गैर मुमकिन सड़क लगी हुई हिमाचल सरकार द्वारा, तो वहाँ पे खड्डे का काम करवाया जा रहा था पंचायत द्वारा। जब हमने मौके पे पंचायत को बुलाया तो पंचायत ने पटवारी की मदद से वहाँ पे निशानदेही करवाई। निशानदेही करवाने के बाद वहाँ पे जो था पंचायत ने देखा कि ये खड्डा जो है सरकार, उन्होंने उस खड्डे को वहाँ पे बंद कर दिया। उन्होंने हमको बोला कि आप अपनी निशानदेही करवा लो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आपकी ज़मीन में आएगा तो आप इसका काम करवा सकते हो, नहीं तो नीचे सड़क है उसका काम करने दिया जाए, सड़क को खोलने दिया जाए। तो सर उन्होंने बाद में प्रधान से बोला कि हमें निशानदेही मंजूर रहेंगे। उन्होंने अपने आप ही वहाँ पे एक काम लग रहा था, वहाँ पे JCB आई थी सर चेक डैम की खुदाई के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे पैसे दिए और उस खड्डे का काम शुरू करवा दिया जो कि पंचायत ने बंद किया हुआ था। जब हम फिर दोबारा यहाँ से लोग गए पंचायत प्रधान के पास, तो प्रधान जब मौके पे आए तो 2 गांवों की पंचायतें आई थी, दूसरे गांव की जैसे लाल गांव की पंचायत है वो भी आई थी, ढलोट गांव की पंचायत भी आई थी। तो उन्होंने मौके पे देखा, उन्होंने फैसला किया कि एक तो आप जो खड्डा है जहाँ से आपने खुदाई की हुई है उससे 3 फुट पीछे किया जाए। तो पंचायत ने फैसला दिया और साथ में बोला कि इस रोड को खोल दिया जाए। सर ऐसा है कि हम तो DC मैडम के पास इसलिए आए हैं कि वो वहाँ जाए, मौका देखें और उसका हल करें, क्योंकि हमारा आने जाने के सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। बूढ़े और बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, और कल बच्चा गया हुआ था उधर सर गया और स्कूल में जा रहा था और उधर उसके पर्दी गंदी हो गई, फिर दोबारा घर में आया उसकी, फिर वो स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जा सकता हूँ इस रास्ते में, मेरे से नहीं चला जा रहा। और बहुत सारे लोग वहाँ आने जाने से बहुत दिक्कत हो रही है।